ओके सो हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण, एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की मिसयू फोटो एडिटिंग। तो गाइस अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे जिगर वांद्रा वाले ने जब ये फोटो अपलोड करी, तब गाइस आप लोगों का मतलब कि कुछ भाइयों का मेरे को डीएम आया कि भाई हमें इसका कॉन्सेप्ट चाहिए। तो गाइस मैं कॉन्सेप्ट लेके हाजिर हूं। एंड गाइस अगर आप लोगों को ऐसे कोई कॉन्सेप्ट चाहिए होते तो गाइस आप लोग मेरे को डायरेक्टली डीएम कर दिया करो, उसके लिए मैं गाइस कॉन्सेप्ट लेके हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ऐसे ही मतलब कि डीएम करते रह करो। एंड बस गाइस आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है क्या, गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी को। फिर गाइस आप सभी को यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है अपने मॉडल को। ठीक है, तो आप मॉडल को कुछ स्टेप से ऐड कर लेना। एंड गाइस जो मॉडल का कटआउट है मैंने पहले से ही कर रखा है, एंड जिसको नहीं आता है गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। फिर गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आप गाइस अब आप सभी को यहाँ पे अभी डन नहीं करना है फोटो को। ठीक है, आप सभी को यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक ब्लैक कलर का ये पीएनजी। ठीक है, इसको गाइस ऐड करने के बाद आपको फुल स्क्रीन करना है, एंड इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको उस पर क्लिक करके इसको मूव बैक करना है। ठीक है, मूव डाउन। एंड उसके बाद गाइस आपको इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद गाइस साइज को जितना रखना है। एंड गाइस फटाफट से आपको नीचे की तरफ में शेडो बना लेनी है, तो गाइस हम यहाँ पे शेडो क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइस आप सबको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे गाइस अभी बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो यार इग्नोर करना उसे। फिर गाइस ऐड फोटो में जाकर आपको यहाँ पे ऐड करना है गाइस ये विग्नेट का पीएनजी। एंड विग्नेट का पीएनजी ऐड करने के बाद गाइस आपको कुछ स्टेप से यहाँ पे रख देना है फुल स्क्रीन करके, एंड उसके बाद कर देना आप सबको डन। एंड गाइस जितना हो जाने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस अगर आप डोजन बन करना चाहो तब कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव करके एंड इसको लेके चलना है ऐसे लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आप सबको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में। एंड गाइस उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है इसका, एंड जो गाइस हाईलाइट है इसका आपको इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है। एंड गाइस जो शेडो है थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर नीचे मिलेगा आपको व्हाइट, गाइस आपको इसको थोड़ा सा कम कर देना है। यहाँ पे मिलेगा आप सबको ब्लैक, इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना आपको गाइस कलर्स वाला ऑप्शन में, यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा वाइब्रेशन, एंड यहाँ पे आप सबको इसका कम कर देना है टेम्परेचर। एंड गाइस उसके बाद आपको जाना है ऐसे कलर मिक्स में, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रेड कलर को, एंड इसका सैचुरेशन माइनस करना है। ठीक है, एंड इसके बाद आप सबको यहाँ से जाना है ग्रीन ऑरेंज कलर में, इसके बाद आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है। एंड जिसका डार्क ब्लू वाला ऑप्शन है इसमें जाके आप सभी को इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए हो, अगर चाहिए हो तो आप इसको प्लस कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप कोई भी टोन रख सकते हो, एंड थोड़ा सा ल्यूमिनस कम कर लेना ताकि वो डार्क हो जाए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर गाइज आपको जाना है येलो कलर में, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसके बाद गाइज ग्रीन कलर का भी सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड उसके बाद कर देना है आपको डन। एंड गाइज उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, यहाँ पे गाइज आपको फोटो की जो क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइज जो फोटो में विग्नेट है वो अपने हिसाब से डाल देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है। एंड गाइज मिलेगा आपको नोट रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइज आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइज मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।